दोस्तों, देसी गर्ल हॉलीवुड पे किस तरह से छाई हुई हैं, यह हमें आपको शायद बताने की जरूरत नहीं होगी। फिल्मों से ज्यादा प्रियंका हॉलीवुड में अवार्ड फंक्शंस और अपने फैशन सेंस को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं। हाल ही में हुए ग्रैमी अवार्ड 2020 में जब प्रियंका चोपड़ा अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ शामिल हुई, तो एक बार फिर उन्होंने सारी लाइमलाइट लूट ली और इसकी वजह थी प्रियंका की ऑफ वाइट ड्रेस। जैसे ही प्रियंका अपने हस्बैंड जोनस के साथ कारपेट पे पहुंची तो सबके निगाहें प्रियंका पे टिक गईं, क्योंकि शो में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी तो वो थी प्रियंका चोपड़ा, और साथ ही उनका स्टाइलिश गाउन भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाउन डीप फ्रंट ओपन है और उनका गाउन गर्दन से लेकर नाभि तक खुला हुआ है। इस गाउन में प्रियंका बहुत ही ग्लैमरस और ब्यूटीफुल लग रही थी। लोग देसी गर्ल की स्टाइल को काफी पसंद भी कर रहे थे, लेकिन वहीं जहां प्रियंका ने अपने अंदाज से सबका दिल जीता, तो वहीं ट्रोल्स भी भला प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल करने से कैसे पीछे रह सकते थे। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उनके ड्रेस को लेकर काफी ट्रोल करने लगे, और दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स प्रियंका के इस ड्रेस को लेकर अजीबोगरीब कमेंट्स करने लगे। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस आज शायद ही किसी नाम के मोहताज हों, लेकिन ये वही जोड़ी है जो आए दिन किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पे ट्रोल होती रहती है। ठीक उसी तरह से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने एक ऐसा टिकटॉक वीडियो बनाया है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दोनों एक साथ डांस कर रहे हैं, और आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने वीडियो बनाई और उसके बाद वीडियो अपलोड कर दिया टिकटॉक पे। ये वीडियो वायरल भी हो गया। उनके फैंस वीडियो की तारीफ तो कर ही रहे थे, लेकिन इसमें भी उनके हेटर्स को कुछ न कुछ नापसंद करने के लिए मिल गया और उनको गालियां भी पड़ी। खैर, गालियां देना ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का कहना है कि इंडिया का जो नामो निशान है विदेश में, वो प्रियंका चोपड़ा कम कर रही हैं। और अब ये कहना कहां तक सही है, खैर ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर प्रियंका चोपड़ा इतने फालतू के काम क्यों करती है। तो हम आपको बता दें कि जो नाम बॉलीवुड से धीरे धीरे गायब होता दिख रहा है, उसको बॉलीवुड में वापस पाने के लिए कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी या फिर कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। और ठीक उसी प्रकार प्रियंका चोपड़ा भी बॉलीवुड न्यूज और सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती हैं जिससे लोग उन्हें ट्रोल करें और जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित रहें। ठीक उसी तरह प्रियंका चोपड़ा ने जब इंस्टाग्राम पे 50 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट किए थे तो उन्होंने एक फोटो अपलोड की थी। इस फोटो को देखने के बाद उनके फैंस और ज्यादा भड़क गए थे, और इसी को लेकर प्रियंका चोपड़ा का बवाल होता ही रहता है, जो अब सब लोगों को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है और कुछ लोगों को मजे भी आते हैं। खैर दोस्तों, आप सबों को क्या लगता है कि प्रियंका चोपड़ा फॉरेन में इंडिया का नाम कम कर रही हैं या हमारी इज्जत घटा रही हैं? आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।